दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी नई राह क्रम मार्गी नई राह हो दादाई। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वणकम जय श्री कृष्ण जय स्वामीनारायण जय सच्चिदानंद। भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। सत्यमेव जयते मीनिंग ट्रूथ अलोन ट्रायम्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य असत्य के बारे में। दोस्तों दुनिया में सत्य को बहुत महत्व दिया जाता है। जैन शास्त्रों में भी सत्य पांच महाव्रतों में से एक है और पतंजलि योग सूत्र में भी पांच यम से एक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सत्य के बलबूते पर हिंदुस्तान को फ्रीडम दिलवाई थी। तो ये सत्य असत्य क्या है, चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से अगले सेगमेंट में सत्य असत्य के बारे में। सच और झूठ, सबको अपने तरह से कोई बात सच लगती है, कोई बात झूठ लगती है, कोई बात सही लगती है, कोई बात गलत लगती है। तो यूनिवर्सली कौन सी ऐसी बातें हैं जो सच है, सही है, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो गलत है या झूठ है? यूनिवर्सल या इस बातों का निर्णय कौन लेता है? ऐसा है, सच और झूठ, सत्य दो प्रकार का होता है, एक रिलेटिव सत्य और दूसरा रियल सत्य। रियल और रिलेटिव, रिलेटिव सत्य वह सापेक्ष सत्य होता है, व्यू पॉइंट का सत्य होता है। फॉर एग्जांपल दो लाइंस है, एक बड़ी है और एक छोटी है। आप कहोगे कि ये दाई वाली लाइन छोटी है, बाई वाली बड़ी है, तो ये छोटी बड़ी किसके कौन से हिसाब से है? दोनों पास में है तो एक दूसरे के आधार से है। अगर अकेली एक ही रहती लाइन तो न छोटी रहती न बड़ी रहती, अकेली एब्सोल्यूट वन रहा तो उसे निरपेक्ष कहते हैं, और ये दो साथ में रहने से उसे रिलेटिव कहते हैं, सापेक्षता आ जाती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहा जाता है। तो इस दुनिया में जहाँ देखो वहाँ रिलेटिविटी ही है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी में तो कोई आया ही नहीं है, आया जो आ गया रियलिटी, जो रियलिटी को पा गया उसे ज्ञानी कहा जाता है, और उसको फिर यह किसी के साथ मतभेद नहीं रहता है। नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, नो डिफरेंस ऑफ थॉट्स इवन, क्योंकि उसके व्यू पॉइंट से देखो देख सकता है हर एक के व्यू पॉइंट्स में। जैसे कि एक सर्कल है, उसके 360 डिग्री होती है ना, हर कोई एक एक डिग्री पर बैठा हुआ है, और जो डिग्री पर बैठा है उसको उसी डिग्री का उसी एंगल का करेक्ट लगता है, बाकी दीवारों का उसको दिखता नहीं, इसलिए उसको वो गलत है ऐसा दिखता है। तो यही दुनिया में जो मारामारी है, लड़ाई तंटे है, सच झूठ है, ये अलग अलग व्यू पॉइंट के उसी हर किसी अलग 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 व्यू पॉइंट पर बैठा है उसकी वजह से है। और जो सेंटर में बैठा है उसको किसी के साथ मतभेद नहीं है, क्योंकि वह हर किसी को देख सकता है, हर एक के व्यू पॉइंट को अच्छी तरह से देख सकता है क्योंकि वह सेंटर में है, और उसके लिए तो ऑल रेडाई आर इक्वल। व्यू पॉइंट वाले को अलग अलग है लेकिन सेंटर वाले को नहीं है। तो जितना हम सेंटर में जाने की कोशिश करेंगे तो हमको कोई किसी के साथ मतभेद नहीं रहेगा। यही दुनिया है, यही सूर्य चंद्र, यही लोग, यह सब कुछ होने के बाद भी हमारी दृष्टि सेंटर में जाने से बिल्कुल बदल जाती है, और यह दृष्टि बदलने से हमें जहाँ लड़ाई झगड़ा राग द्वेष बैर भावना यह सब होता था वह निकल जाता है, और हर एक पे देखते हैं तो उसका व्यू पॉइंट दिख जाता है, इसलिए हमको उस पर करुणा ही आती है और कुछ नहीं आ सकता है। जैसे कि कोई अंधा रहा तो उसको सामने लिखा है बोर्ड मारा है कि भी है अपोलो अस्पताल है, लेकिन उसको बेचारे को दिखता ही नहीं, अंधा है, तो हम कहते करे इतना इतने बड़े लेटर में लिखा हुआ और तुझे दिखता नहीं है, कैसा है तू? अरे बाबा ये अंधा तो बेचारा आँख नहीं है इसलिए वो अंधा है, लेकिन आप तो इतनी बड़ी बड़ी आँखें होकर भी अंधे है क्योंकि इसका अंधापन आपको दिखता नहीं है। इसी तरह सारी दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी आँखें दो दो लेके घूमते हैं फिर भी अंधे जैसे घूम रहे हैं, क्योंकि सामने वाले के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम तो अंधे ही हैं। जितना हम सामने वाले की सीट पर जाके सोचेंगे देखेंगे तो हमें मतभेद नहीं होगा,
उसका करेक्ट ही दिखेगा। वो जो देखता है सोचता है करेक्ट है, क्योंकि उसके व्यू पॉइंट में जाके देखो तो आपको भी वैसा ही दिखेगा। तो वहाँ यहाँ सच झूठ का प्रश्न नहीं रहता है। सच झूठ का प्रश्न सापेक्षता में है, रिलेटिविटी में है, व्यू पॉइंट्स में है, इसलिए है। इसीलिए इसको रिलेटिव सत्य कहा है और रियल सत्य सेंटर में है, जहाँ किसी के साथ मतभेद नहीं है। जो भी कोई आता है सेंटर में, उसको यह सत्य दिख सकता है और उस यह उसके लिए जो सेंटर में जितने जितने लोग आते हैं उस सारे लोगों के लिए सेंटर वाला सत्य यूनिवर्सल सत्य होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। समझ में आया जी? तो आप भी उसी सेंटर में आ जाओ, हम उसी तरह वही मार्ग पे है और आपको उसी रास्ते ले जाने के लिए रास्ता बताते हैं। हर कोई अपने अपनी जगह पे है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य की। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं घर में, स्कूल में कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। तो सत्य हम किससे कहते हैं? क्या हर बार हमारा सत्य करेक्ट ही होता है, या फिर हर एक के व्यू पॉइंट पे निर्भर करता है? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अगले सेगमेंट में। तभी ही सारे हम बोलते रहते हैं कि सारे दुनिया के साथ मैत्री भावना करो। अरे लेकिन कैसे आए ये शब्द के नारे? तो हर किसी के पास है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता किसके पास है? तो रास्ता ज्ञानियों के पास है। ये व्यू पॉइंट में से निकल जाओ, हर किसी के व्यू पॉइंट को स्वीकार करो। उस वो गलत है ऐसा, यहाँ तक कि किसी के व्यू पॉइंट, किसी को गलत कहना तो गलत है, ऐसा किसी को कहना उसका मतलब क्या होता है? उसके आत्मा को गलत कहा उसके जैसा है, क्योंकि उसका व्यू पॉइंट है, उसके लिए तो उसका आत्मा बराबर है, उसका सर्वस्व ही उसका व्यू पॉइंट है। उसको ये डिफरेंस मालूम नहीं है कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, रिलेटिव है, टेम्पररी है, रियल सेंटर में है, मैं वहां नहीं, ऐसा कुछ नहीं मालूम है। जो ये बात समझता है उसके लिए अलग बात है, लेकिन बेचारे हर किसी के लिए तो यही उसका आत्मा ही है, व्यू पॉइंट में बैठा है वो। हर एक को अपनी मान्यता, अपनी बिलीफ, वही उसकी उसके लिए वह सर्वस्व है, और उसी के लिए भगवान है, आत्मा है, सब कुछ वही है। तो हम उसके व्यू पॉइंट को गलत कहते हैं तो उसके उसके भगवान को ही गलत कहते हैं। क्यों हम इसमें पड़े हैं? उसको जो सच्चा दिखता है गो अहेड। हाँ, हमको उसकी बात सच्ची नहीं दिखती है तो हम उसको अपना नहीं ले सकते, तो ठीक है। लेकिन आप जो कर रहे हैं आपके लिए करेक्ट है, ठीक है, गो अहेड। फिर हम तो क्या करें, तुम गलत कर रहे हो, सीधे हो जाओ सच्चे रास्ते पे। अरे जाने दो, वो कर रहा है करने दो, आप अपना रास्ता देखो, आप कितने सीधे रास्ते पे है। और कितना भी करने से भी वो क्या गलत वाला सच्चे रास्ते पे आएगा नहीं, सच्चे रास्ते वाला गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। इतनी ताकत है नहीं किसी के पास के किसी के रास्ते से किसी का किसी की राह बदला दे। राह बदल ऐसे नहीं बदलती है, जब दृष्टि बदलती है, नई दृष्टि मिलती है, तभी नई राह आती है, नहीं तो अपने ही पकड़ वाली राह। वही दृष्टि से चलते हैं, वही राह पे, वो राह नहीं छूट सकती है। तो ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं, आपके लिए कुछ कुछ बाहर का चेंज नहीं करवाते हैं, सिर्फ आपको दृष्टि नई दे देते हैं, यूनिवर्सल दृष्टि, सब यूनिवर्सल ट्रूथ वाली दृष्टि दे देते हैं। सेंटर में क्या है वह बता देते हैं। तो वह एक बार आपकी दृष्टि में आ जाता है तो आपकी दृष्टि ही बदल जाती है। दृष्टि बदली तो उसके लिए सृष्टि बदल जाती है, बाकी तो सब वही का वही रहता है। दृष्टि को बदलने की जरूरत है, वो हम आपको वही करवाते हैं, दृष्टि बदल देते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य के बारे में। तो ये सत्य असत्य क्या है, और क्या उसके भी कोई प्रकार होते हैं? क्या व्यवहार सत्य और रियल सत्य का कोई कनेक्शन है? है तो क्या कनेक्शन है? हमारी दृष्टि में जो सत्य है वो क्या दूसरों की दृष्टि में असत्य हो सकता है? तो वो कैसे, चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से अगले सेगमेंट में। दुनिया में सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। सबसे बड़ा झूठ मैं पंकज हूँ यह है, और सबसे बड़ा सच मैं आत्मा हूँ यह है। ये संसार सच है या झूठ? संसार
रिलेटिव सच है, रिलेटिव सत्य है, रियल सत्य नहीं है। रिलेटिव सत्य ने सापेक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्य नहीं है। संसार पूरा ही रिलेटिव सत्य है कि संसार में भी कुछ सच है, रिलेटिव सच है और कुछ गलत भी है? नहीं, सब रिलेटिव सत्य है। पूरा संसार रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव है, सत्य असत्य तो हमने बनाया है। जो भी हमारा ही बनाया हुआ है, अपना हर एक का अलग अलग सत्य है। हाँ, अपने मुताबिक सत्य का निर्माण सबने किया है। हाँ, रिलेटिव का मतलब ही है ना, व्यू पॉइंट से। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि निरुमा का जो सत्य है और निरुमा में मेरा विश्वास है तो वो सत्य भी मेरा सत्य हो जाता है। वो निरुमा का खुद का रिलेटिव का नहीं है, वो अंदर वाले दादा भगवान का है, जो दादा भगवान तुम्हारे अंदर ही हो, जो परम सत है। जाहिर है कि इसीलिए आपको ये परम सत से ज्वाइंट होते है, और कुछ निरुमा से ज्वाइंट नहीं होने का है। नहीं, वो तो मेरी आस्था है, मुझे दिख गया कि निरुमा में जो मुझे दिखना चाहिए, जहाँ से मुझे शांति मिलती है, वो निरुमा है। इसलिए निरुमा की जो भी कंसेप्ट दुनिया के बारे में है या जो भी वो बताती हैं, वो मेरा भी होना चाहिए तो मुझे भी शांति मिलेगी, क्योंकि निरुमा को भी उसी से शांति मिली है। बराबर। मैं खुद से हर चीज रिसर्च तो कर नहीं सकता, उतनी ज्ञान हो सकती उतना रिसेप्टर मेरे पास ना हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष का जो आजमाया, जो अर्जित किया हुआ ज्ञान है, उसी को मान लेना सच है कि उसके आगे कुछ अपना रिसर्च करना चाहिए। नहीं, अभी जो रिसर्च तो जो मिला है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं, पर जो रिसर्च करके अपने को रेडीमेड मिला है, उसका फिर उपयोग करने का, इस्तेमाल करने का है, उसको से रिजल्ट लेने का है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोग झूठ क्यों बोलते होंगे? जैसे हमें कोई हमारी उम्र पूछे तो क्या हर बार हम सच बोलते हैं, स्पेशली हमारी लेडीज? नहीं ना। क्या हम हर सवाल के जवाब बेझिझक दे देते हैं, या फिर जवाब देने से डरते हैं और कई बार सामने वाले को दुख ना हो इसलिए झूठ बोलते हैं? तो क्या उससे पाप कर्म बनता है? अगर बनता है तो हमारी रूटीन लाइफ में कैसे सत्य बोलना चाहिए? चलिए सुनते हैं अपने आत्मज्ञानी से। फाइल नंबर 2 से मैं झूठ बोल के उसको यहाँ लाया हूँ। इधर लेके आए उनको? जी। किधर है? चलो, है, अच्छी बात है। तो क्या हो गया अभी? अभी घर पे जाके आपकी हालत खराब करेगी, मगर आपका उपकार मानेगी कि नहीं, अच्छी जगह आप लेके आए और मुझे भी शांति मिली। अरे, तो मोक्ष का काम हो जाएगा आपका और वाइफ का, दोनों भाग्यशाली है कि ये लोग शादी के बाद दूसरी जगह जाते हैं और मोह में ज़्यादा गिर जाते हैं, और आप धर्म में लेके आए, मोक्ष का मार्ग मिल गया। पहले बहुत खिटपिट हो गई थी। हरकत नहीं, वो तो धीरे से मिट जाएगी। खिटपिट मिटाने के लिए तो ज्ञान है, खिटपिट होगी तो ही ज्ञान वापरेंगे हम। कोई बात मानती नहीं है। हरकत नहीं, इधर तक तो आई, अभी तो है ना, सत्संग में बैठी है ना। हाँ, बैठी है। बस, तो फिर शांति हो जाएगी दादाजी की कृपा से, और एक दिन समझ में आएगा कि ये ज्ञान मुझे मिला, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ और सच्चा मोक्ष मार्ग मिल गया मुझे। डरो मत, और जो हो गया तो प्रतिक्रमण करो, उनको दुख हो गया उसके प्रतिक्रमण करो। ये सत्संग में आने के वजह से, मगर हमारा अहंकार और उनका अहंकार टकरा जाता है, उसका दुख है। बाकी ये सत्संग के वजह से दुख नहीं है और दादाजी के वजह से दुख नहीं है। हमारा हिसाब है, चिकनी फाइल बोला जाता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना सत्य असत्य यानी कि सच और झूठ का सही मतलब। तो दोस्तों, हमारे दादाजी कहते हैं कि सत्य हित प्रिय और मित हो तभी सत्य कहलाता है, और हर एक का सत्य हर एक के व्यू पॉइंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारे वाणी, वर्तन और मन से किसी को किंचित मात्र दुख नहीं देना, वही व्यवहार का मूल सत्य है। ऐसे ही व्यवहार के ज्ञानमय सॉल्यूशन जानने के लिए सुनते रहिए नई दृष्टि नई राह, हर रोज इसी समय इसी चैनल पे। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मीठा ही बोलिए। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञान।